नया IBN 7 हौसला है। कोलकाता के पॉश रॉबिन्सन लेन के एक घर में पुलिस को 77 साल के शख्स अरविदा डे का जला हुआ शव मिला है। साथ ही बेडरूम से कंकाल नुमा लाश भी बरामद हुई है। कंकाल 6 महीने पुराना है और मृतक की 50 साल की बेटी का है। पुलिस के मुताबिक पार्थ अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। पुलिस को शव के आसपास काफी खाना पड़ा हुआ मिला था। पार्थ ने पुलिस को बताया वो रोज अपनी बहन के लिए खाना बनाता था और दोनों साथ मिलकर खाते थे। गुड़गांव के गर्ल्स कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की छात्रा ने कॉलेज के बाहर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार को जब पूजा कॉलेज में पहुंची तो उसकी मुलाकात उसके दोस्त अजय से हुई। पिछले 6 महीने से दोनों एक दूसरे को जानते थे। दिल्ली महिला आयोग को सौंपी 26 पन्ने की शिकायत में पति सोमनाथ भारती के खिलाफ लिपिका ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। लिपिका के मुताबिक गर्भवती होने के दौरान उनके पीछे कुत्ते छोड़े जाते थे, साथ ही शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी दी जाती थी। लिपिका का आरोप है लगातार उत्पीड़न से तंग आकर उन्होंने अपनी कलाई काटने की भी कोशिश की थी। लिपिका ने आयोग को सौंपी शिकायत में भारती से अपनी जान का खतरा बताया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह के मुताबिक शादी के दौरान सोमनाथ भारती ने लिपिका से झूठ बोला था कि उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय लॉ फर्म है। घरेलू हिंसा के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती की पत्नी को सुरक्षा मुहैया करा दी है। इससे पहले पुलिस की मांग पर सोमनाथ की पत्नी लिपिका ने द्वारका थाने में लिखित शिकायत दी थी। इस बीच सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली के मालवीय नगर में प्रदर्शन के दौरान सोमनाथ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सोमनाथ भारती ने पत्नी के तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। अपने खिलाफ चौतरफा विरोध के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलकर अपना पक्ष रखा। पूरे विवाद के बीच सोमनाथ भारती की मां ने भी सफाई दी है। मां का कहना उन्होंने अपने बेटे पर कभी यह दबाव नहीं डाला कि वो कहां रहे। उनका कहना सोमनाथ को वो खुश देखना चाहती है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर जंग जारी है। केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर 25 सीनियर अफसरों का तबादला कर दिया। एक बार फिर शकुंतला गैमलिन को प्रमुख सचिव उद्योग के पद से हटाकर चेतन संघी को नियुक्त कर दिया गया। केजरीवाल के कड़े विरोध के बावजूद धर्मपाल दिल्ली के गृह सचिव बने रहेंगे। इस बाबत मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार को गृह मंत्रालय की तरफ से साफ आदेश दिया है। धर्मपाल दिल्ली सचिवालय के अपने दफ्तर में बैठे रहे मगर सरकार उन्हें कोई काम नहीं करने दे रही। लगातार 2 दिन तक फैजाबाद में पूछताछ के बाद पुलिस दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर बिहार पहुंची। आज तोमर को लेकर पुलिस तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पहुंचेगी जहां उनकी डिग्री की जांच होगी। इस बीच दिल्ली में रोहिणी के यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट में पुलिस ने छापा मारा। ये इंस्टीट्यूट जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी के बाद से बंद है। दिल्ली पुलिस ने यहां से कई अहम दस्तावेजों को अपने साथ ले गई। पुलिस को शक है यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट से ही तोमर की फर्जी डिग्री जारी हुई है। फर्जी डिग्री मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री तोमर को साकेत कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा अंतरिम राहत से मामला और जटिल हो जाएगा। अब तोमर की नियमित याचिका पर 16 जून को सुनवाई होगी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तोमर की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि दिल्ली में तानाशाही के जरिए इमरजेंसी जैसे हालात बनाए जा रहे हैं। म्यांमार में भारत की कार्रवाई से तिलमिलाए पाकिस्तान को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जवाब दिया है। पर्रिकर ने पाकिस्तान पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो लोग भारत के नए रुख से डरे हुए हैं उन्होंने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। म्यांमार में घुसकर आतंकी संगठनों पर भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान घबरा गया है। पाकिस्तान की संसद ने म्यांमार ऑपरेशन को लेकर भारतीय नेताओं के बयान के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने घीदड़ भभकी दी है। कहा है पाकिस्तान ने परमाणु बम शबे बारात में फोड़ने के लिए नहीं बनाए हैं। पाकिस्तान के न्यूज चैनल दुनिया न्यूज को इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा भारत का एजेंडा है पाकिस्तान को दबाया जाए। गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने कहा हम बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा अभी सीटों पर बात नहीं हुई है। एक नाटकीय घटनाक्रम में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद से मुलाकात की। हालांकि सिन्हा ने कहा कि लालू उनके दोस्त हैं और वो उन्हें जन्मदिन की बधाई देने गए थे। गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से पीएम मोदी ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मोदी ने वाजपेयी को बांग्लादेश दौरे के दौरान मिले सम्मान को सौंपा।
बता दें भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने गुरुवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह आज चीन में योगा कॉलेज का उद्घाटन करने वाले हैं। ये योग कॉलेज चीन में कनमिंग की यूनान मिंजू यूनिवर्सिटी में बना है। वीके सिंह दक्षिण एशिया एक्सपो में शिरकत करने के लिए चीन गए हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के नमाज पढ़ने की नसीहत पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का कहना है वो रोज सूर्य नमस्कार करते हैं। आजम खान जैसे लोगों की बुद्धि और सेहत ठीक करने के लिए सूर्य नमस्कार जरूरी है। मैगी पर लगे बैन के खिलाफ नेस्ले की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नेस्ले का कहना है वो पिछले 30 साल से मैगी बेच रही है जो 14 फैक्ट्रियां बनाती है। नेस्ले का दावा है कच्चे माल की जांच वो खुद करती है, साथ ही बाहर की लैब से भी करवाती है। डॉक्टर से मारपीट के आरोप में गायक मीका सिंह को पहले गिरफ्तार किया गया लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद मीका को दिल्ली के इंदिरापुरी थाने में ले जाया गया। पुलिस ने मीका से पूछताछ की। महानगरी मुंबई के कई इलाकों में आज रात हल्की और मध्यम बारिश के साथ मानसून ने दस्तक दे दी। मुंबई महानगर और उसके उपनगरीय इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश से लोगों को भयानक गर्मी से राहत मिली है। मुंबई में आमतौर पर 10 जून तक मानसून आ जाता है। यूपी में दो पूर्व पुलिस महानिदेशकों पर घूसखोरी के इल्जाम लगने के बाद आईपीएस एसोसिएशन से मांग की गई है कि वो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए। पलामू में सीआरपीएफ से मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने के बाद नक्सलियों ने आज से 3 दिन का बंद का बुलाया है। ये बंद बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा पश्चिम बंगाल में बुलाया गया है। महाराष्ट्र में एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल के खिलाफ एक हफ्ते के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो ने दूसरा मामला दर्ज किया है। इस बार भुजबल पर महाराष्ट्र सदन घोटाले में केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने कोयला घोटाले में दिल्ली की एक निजी कंपनी पर झारखंड में खदान आवंटन को लेकर गड़बड़ियों के आरोप में केस दर्ज किया। ये केस हूतर सेक्टर की खदान को लेकर दर्ज किया गया है। कोयला घोटाले के मामले में सितंबर 2012 से लेकर अभी तक सीबीआई कुल 45 केस दर्ज कर चुकी है। मुंबई में एक लड़की ने छेड़खानी मारपीट और गाली गलौज करने पर रिक्शे वाले की जमकर खबर ली। इस लड़की ने रिक्शे वाले को सबक सिखाने के लिए जमकर लात घूंसे चलाए। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मुंबई के बीच पर महिलाओं से छेड़खानी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सुरक्षा और पुख्ता कर दी है। मुंबई पुलिस ने इन बालू भरे इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए विदेश से खास तरह की 2 दर्जन साइकिल मंगवाई हैं। रफ्तार को ध्यान में रखते हुए 7 गियर की बनाई गई इस साइकिल में पानी की बोतल, खास टॉर्च और पुलिस के अत्याधुनिक किस्म के डंडे रखने की जगह बनाई गई है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने ऐलान किया है कि मेट्रो 3 प्रोजेक्ट मुंबई के ग्रीन जोन आरए कॉलोनी में भी बनेगा। बताया जा रहा है मुंबई में कोई और बेहतर जगह नहीं होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद मेट्रो विवाद फिर गर्माने के आसार हैं। यूपी के बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए और सभी की मौके पर मौत हो गई। असम में बाढ़ की वजह से बुरे हालात हैं। यहां बाढ़ की वजह से 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास लगभग 8,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। भारत ने बुधवार को अपने पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को देश के नाम समर्पित किया। इस पोत का निर्माण सीएसएल में किया गया, हालांकि अभी इसमें कई उपकरण लगाए जाने बाकी हैं। यूपी के गाजीपुर जेल से जेल की दीवार फांदकर कैदी फरार होने से जेल प्रशासन को हैरान कर दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। इन कैदियों ने गुरुवार शाम जेल की पिछली दीवार फांदकर फरार होने की कोशिश की। यूपी के बहराइच में दबंगों पर अपनी मां के साथ ससुराल जा रही विवाहिता के अपहरण का आरोप लगाया। पीड़ित की मां का आरोप है। पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है जबकि पुलिस ने महिला के आरोपों से इनकार किया है। बलिया के रेवती थाना इलाके में 14 साल की नाबालिग का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है लड़की अपने भाई और पिता के एक्सीडेंट की खबर पर वहां पहुंची थी। फिलहाल अपहरणकर्ताओं का कोई पता नहीं चल पाया है। बिहार के पालगंज सदर अस्पताल में बीडीसी सदस्य की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। बीडीसी सदस्य को सड़क हादसे में घायल होने के बाद अस्पताल लाया गया था लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया।
यूपी के मुरादाबाद की एक दुकान से लैपटॉप चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में दिन दहाड़े एक महिला बेहद ही शातिर तरीके से दुकान से लैपटॉप चुराती दिख रही है। झारखंड के कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में काम करने के दौरान हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित मजदूरों और ग्रामीणों ने पावर स्टेशन के गेट को जाम कर दिया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। एमपी के बड़वानी में पति को मारने की धमकी देकर विवाहिता का दुष्कर्म करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी को मत स्कूल से हिरासत में लेने के दौरान लोगों ने जमकर पीटा। बाद में विवाहिता परिजनों के साथ थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ ब्लैकमेल कर 2 साल तक शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दंपत्ति के जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश का मामला सामने आया। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है दंपत्ति को सूदखोर परेशान कर रहे थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बैंक डकैती की योजना बनाते 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 2 चाकू, 2 देसी बम और कारतूस बरामद किए हैं। भारत बांग्लादेश के बीच इकलौते टेस्ट के दूसरे दिन बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 239 रन है। टीम इंडिया के कप्तान धोनी अब भी सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। दुनिया सबसे अमीर खिलाड़ियों की फोर्ब्स की लिस्ट में धोनी 23वें नंबर पर हैं। बीते साल उसकी कमाई 200 करोड़ रही। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म राइस की शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा हो गया है। फिल्म की शूटिंग शाहरुख के घुटने की सर्जरी मुंबई में पिछले दिनों बारिश की वजह से लेट हो गई थी। निर्माता करण जौहर हॉलीवुड फिल्म वॉरियर के बाद अब 2011 की फिल्म द अनटचेबल का रीमेक बनाना चाहते हैं। इस फिल्म के निर्देशन के लिए उन्होंने मोहित सूरी को साइन किया है। अभिनेत्री विद्या बालन जल्द ही साउथ की एक फिल्म में दिख सकती हैं। इस फिल्म में उनके सामने रजनीकांत होंगे। बताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट पर अभी बातचीत जारी है।